तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। कोई मुझे बताएगा इंटरनेशनल ट्रेड है क्या चीज़, क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, अपने शब्दों में बताइए आपके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। ट्रेड अमंग द कंट्रीज, वन कंट्री टू अनदर, ट्रेड अमंग द, हाँ ट्रेड अमंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं जो दो अलग अलग देश आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्यों कहलाता है, क्योंकि वो दो डिफरेंट कंट्री होती हैं। तो जब इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज़ वो आपस में कोई ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कुछ चीज़ों की, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इसमें ये बताइए कि मान लीजिए मैंने पाकिस्तान से एक ट्रेड करा, पाकिस्तान को मैंने पान भेजे इंडिया से और पाकिस्तान से चीनी मंगाई, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, तो ये ट्रेड कहलाएगा? नहीं सर, नो सर, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा ट्रेड, रीजन बताओ सर। क्योंकि एक्सचेंज सर, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, हमने तो अपनी चीजें मतलब उन्हें दे दी बट हमें एक्सचेंज में कुछ भी नहीं मिला, सो दैट्स व्हाई ये ट्रेड नहीं कहलाएगा। सर मिला तो है सर, हमें ट्रेड मिली तो है सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ट्रेड हमने मतलब हमने पान उनको दिया, चीनी उनसे ली। ओके सर, हाँ फिर तो ये एक्सचेंज है। आपने क्या सुना था सर? मैंने चीनी नहीं सुना था एक्चुअली। अच्छा, तो दान दे दिया तो चैरिटी हो गई। तो अगर अभी जैसे इंडिया ने पूरे दुनिया के देशों को वैक्सीन दी, वैक्सीन सप्लाई करी, तो वैक्सीन जो सप्लाई करी जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं, तो वो क्या है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? अभी इंडिया ने बहुत सारे देशों को वैक्सीन भेजी थी, वो क्या है सर? अगर वो उसके इन रिटर्न कुछ मिला होगा तो फिर तो सर वो ट्रेड होगा। मिला है, शुभकामनाएं मिली है, प्यार मिला है, सद्भावना मिली है, वो तो सर एक क्रेज हो गया सब दूसरी कंट्री, ये सब बेकार है, ये सब नहीं मिलना चाहिए। मनी इन टर्म्स सब मिलना चाहिए बट इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं था सर वो। तो इन टर्म्स सर कोई गुड्स या कोई भी सर मतलब कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, मतलब वो तो सेंटीमेंट्स हैं उनके सर, इमोशंस हैं हम इंडिया के लिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कानपुर से लेदर प्रोडक्ट बना कर ब्रिटेन भेजे, उसने मुझे बिटकॉइन भेज दिए और उसको तो मैं छू भी नहीं सकता, तो क्या ही है, बिटकॉइन तो इंटेंजिबल है। अगर एक्सचेंज किया जाएगा सर तो मॉनेटरी टर्म्स मिलेंगे हमको। नहीं, उसको टच नहीं कर सकते, आप ही तो कहते टच कर पाए उसको कुछ, बिटकॉइन किसी ने हाथ में लेके तो देखा नहीं आज तक सर। बिटकॉइन के बाद सर अगर इसको एक्सचेंज कराएंगे सर तो हमें मॉनेटरी टर्म्स तो मिलेंगे ना सर, उसको टच कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आते हैं वापस स्लाइड पे, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं साथ साथ। तो ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, किस कंट्री से क्या ट्रेड करना चाहूँगा, देखो मैं ताइवान से ट्रेड करना चाहूँगा और मैं वहाँ से भर भर के कंप्यूटर, गैजेट, एडवांस हार्डवेयर ये सब मंगाना चाहूँगा और उसको फिर मैं यहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट पे अपने स्टूडेंट्स को और जो बाकी यहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है, बहुत महंगा मिलता है इंडिया में, बहुत महंगा है। मतलब अगर यहाँ पे जो हार्डवेयर है, अगर मान लो एक प्रोसेसर है वो 1 लाख का है यहाँ पे AMD का, तो उसकी एक्चुअल कीमत तो अमेरिका में अगर हम उसको लेने जाएंगे तो 50,000 का ही मिलेगा, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। उस पर 20% GST लग जाती है और पता नहीं क्या क्या इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है और क्या क्या टैक्स लग जाते हैं, और फिर वो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, कई सारे मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत महंगा मिलता है। तो मैं इसका ट्रेड करना चाहूँगा। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, जब दो और दो से ज़्यादा देश आपस में व्यापार करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। और उसमें होता क्या है, दिस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों के सिटीजन्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा होगा। ट्रेड कौन करता है, उसके सिटीजन्स करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब दो देश आपस में ट्रेड नहीं करते हैं, उन देश के सिटीजन्स आपस में कोई कोई सर्विसेज या गुड्स एक्सचेंज करते हैं। उसमें लिखा है व्हेन सिटीजन ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विद द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। फिर आगे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है द एम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प सिटीजन्स ऑफ वन नेशन टू कंज्यूम एंड एंजॉय द पोजिशन ऑफ गुड प्रोड्यूस इन सम अदर नेशन।
ध्यान से समझिएगा, हमारे देश में अभी तक कंप्यूटर चिप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, हमारे देश में अभी तक हम मोबाइल नहीं बना सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारे गैजेट जो है अभी भी हम नहीं बनाते हैं या नहीं बना सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे यहाँ फाइटर प्लेन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, हम मिसाइल बना सकते हैं, हम सैटेलाइट बना सकते हैं, हम ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ ने बताया था हर एक देश को क्या करना चाहिए कि जिस चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुका है या जिस चीज़ में उसके पास एक्सपर्टीज़ है उसको उसी में काम करना चाहिए। एक देश को हर चीज़ बनाने की और हर चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या आप लोग इस बात से इत्तफाक रखते हैं? यस सर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, किसी भी इकॉनमी में तीन स्टेजेस होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सारे लोग प्लीज़, किसी भी इकॉनमी की तीन स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी स्टेज में वो एग्रीकल्चर कर रहा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है उस देश में, फिर उसके बाद वो सर्विस सेक्टर में जाता है। इंडिया ने क्या किया, सेकेंड स्टेज स्किप कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोग 70-75% 80% का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का था, 20-25% का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का था, सर्विस सेक्टर उस समय था नहीं, ठीक है, या बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। और अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वही 20-25% पे टिका हुआ है। तो यानी देखा जाए तो हमने सेकेंडरी सेक्टर को तो स्किप ही कर दिया है, हम सीधे टर्सरी में जंप कर गए। अब हमारे रेवेन्यू में, जीडीपी में 50-60% कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर से हो रहा है, यानी सर्विस सेक्टर से। क्या हमें, जैसे ये मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कर रही है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब हो रही है, मतलब हम लोग इस समय इंडिया में चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ के हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरा सिंपल क्वेश्चन फिर से सुनिए, सबसे फिर से सिंपल क्वेश्चन है, फिर आंसर करिएगा। मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड करनी चाहिए ना, हम क्यों लफड़े में पड़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हमें जो काम आता है हम वो करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम केपीओ बीपीओ चला सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, हम नौकर हैं और नौकरी रहना चाहिए हमें, हमें मैन्युफैक्चर और मालिक बनने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? टर्सरी सेक्टर मतलब जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर, इनटेंजिबल सर्विस जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें ये टर्सरी होती हैं, R&D फैसिलिटीज। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक? जितना एक्सपर्टीज हो उसको तो करना ही चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, बट जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग खुद की ही नीड फुलफिल कर सकें और हम लोग को इम्पोर्ट ना करें। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया टर्सरी सेक्टर से मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करता है। एडम स्मिथ ने कहा था कि आपको जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं उसी चीज़ पे काम करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें आपको ट्रेड करनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं आप, जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं होती हैं या आप जो नहीं बना पाते हैं आप उसको विदेश से मंगाइए, और जो चीज़ आप बना सकते हैं उसको आप बनाइए और उसको विदेश में बेचिए, ये एडम स्मिथ ने बताया था। लेकिन ये सारे क्लास के बाकी सारे लोग मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हमें मेक इन इंडिया करना चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं बनानी आती है उसको भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप एडम स्मिथ से इत्तफाक रखती हैं या बाकी क्लास मेंबर से? सर रिसोर्सेज भी तो नहीं है ना इंडिया के पास, अगर वो हर चीज़ बनाने लगेगी तो फिर कैसे हो पाएगा? रिसोर्सेज नहीं है सर। शायद एडम स्मिथ के टाइम पे उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं था जितना अब हो गया। सिद्धांत तो वही होते हैं ना, सिद्धांत थोड़ी चेंज हो जाते हैं, कैपलर्स का नियम, न्यूटन का नियम, ये तो सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत थोड़ी ना बदल जाएंगे जमाने के हिसाब से। जैसे चाइना की इकोनॉमी है तो वहाँ पे तो सब खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब वहाँ पे चीजें अगर नहीं हो उनके पास तो वो चीज वो लोग सीख रहे हैं बनाना, वैसे ही इंडिया में भी तो कर सकते हैं। नहीं, चाइना का बेस ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आप लोग जरा इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा। वैसे मैं अपना ओपिनियन बताऊं क्या, एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, IIM से उन्होंने MBA किया है, IIT से BTech किया है, वरुण मल्होत्रा, किसी ने नाम सुना है? वरुण मल्होत्रा फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो भी एजुकेशन पे, स्टॉक मार्केट पे, इन्हीं पे बात करते हैं और
काफ़ी फेमस शख्सियत हैं हिंदुस्तान में, बहुत उन्होंने लिटरेसी के अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं। उनका भी यही मानना है और मेरा भी यही मानना है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो चीज़ आती है उस पर फोकस करके उसको और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको हम जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए, ना कि हमें हर एक चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हम लोग नेचुरल तरीके से जो ट्रांजिशन हो सकता है प्राइमरी टू सेकेंडरी उसको होते देना चाहिए, मतलब नेचुरल तरीके से। बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कि सारे रिसोर्स निकाल के हमने लगा दिए, जो नेचुरल तरीके से हो सकता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें अननेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह अगर हमारे जो युवा हैं या हमारी इकॉनमी है या हमारा इन्वायरमेंट अगर वो टर्सरी सेक्टर को सूट करता है तो फिर हमें वही करना चाहिए, क्योंकि टर्सरी सेक्टर टॉप लेवल पे आता है। हमने स्किप कर दिया है बीच वाला लेवल, हम सीधे जम करके टर्सरी में पहुँच गए हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं उससे, क्योंकि उसमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। देखो सबसे कम रेवेन्यू मिलता है एग्रीकल्चर में, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, रेवेन्यू कम मिलता है। उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर से थोड़े कम लोग लगते हैं, एग्रीकल्चर से थोड़ी कम मेहनत लगती है और एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। और टर्सरी सेक्टर में और आसान है, टर्सरी सेक्टर में और कम लोग लगते हैं और कम मेहनत लगती है, वाइट कॉलर जॉब है, आराम से एसी के ऑफिस में बैठ के लैपटॉप लेके आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, लोकेशन फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम होती है। ये नहीं 9 to 5 आपको, आईटी सेक्टर में जितने भी ऑफिस हैं आपको पता है उसमें ज़रूरी नहीं है आप 9 to 5 जाएं, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। 60-70% लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया गया है, आप अपने घर से काम कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा हो सकता है क्या? आप जब तक फैक्ट्री जाएंगे नहीं, भट्टी में तपेंगे नहीं, काम वहाँ करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो काम होगा नहीं, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आप टर्सरी सेक्टर कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो अगर हमें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अप्रोच करके टर्सरी वाले को तोड़ के सेकेंडरी में नहीं लगाना चाहिए, नेचुरल तरीके से जो ट्रांजिशन होके प्राइमरी वाले सेकेंडरी में आ सकते हैं उनको तो लाना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पुश नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे या कोई अपना ओपिनियन देना चाहे तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सर जिन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं उनको सर हम लोगों को मैन्युफैक्चर करने की या फिर अपने आप खुद से बनाने की कोशिश, जैसे कि सर डिफेंस के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं हम लोग, हम लोग बेटा डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो अगले 100-200 साल तक हम लोग कोशिश ही करते रहेंगे। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या F-35 या ये जो इस तरह के रैप्टर हैं या ये जो F-21 है, ये इस तरह के जो प्लेन है या जो बहुत एडवांस इक्विपमेंट है, वेपन है, वो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं अभी, इसमें बहुत टाइम लगेगा। वो लोग बना पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 17वीं शताब्दी में इस पर काम करना, 17वीं-18वीं शताब्दी में उन्होंने इन सब पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग अब उसको काम करना शुरू करेंगे तो हमें फिर से टाइम लगेगा, कि इससे बेहतर ये है कि हम वो इम्पोर्ट कर लें। अब जैसे हम लोग अपना वो बना रहे हैं तेजस, तो ये तेजस जो है वो इंडिया ने बनाया है और उसमें भी उसने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें सब रडार लिया है कहीं से, मिसाइल लिए हैं कहीं से, इंजन लिया है कहीं से, मतलब वो असेंबल कर दिया है कुल मिला के। अब अगर हम लोग खुद का इंजन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, या बना पाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। हमें चाहिए एयरक्राफ्ट अपना अगले 2-3 साल में रेडी, उसको बनाने में 10-20 साल लग जाएगा। तो वो लोग क्योंकि 100 साल पहले से उस पर काम कर रहे हैं तो उनका प्रोटोटाइप ज़्यादा एडवांस हो गया है। हम लोग ज़्यादा एडवांस किस में, हम लोग रॉकेट में ज़्यादा एडवांस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रांस का भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, हम यूरोप के देशों का भी सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो वो लोग खुद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें इंडिया ज़्यादा अच्छा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया बहुत सस्ते में कर सकता है, इसलिए वो अपने सैटेलाइट इंडिया को दे देते हैं, भैया तुम ही करो, तुम इसको ऑर्बिट में बचाओ, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पीछे पड़े तो करना चाहे कर लेंगे, लेकिन उनको पता है उनको करना बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे कि इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था वो बहुत सस्ता था अमेरिका की तुलना में,
या इंडिया के जो इस तरह के स्पेस प्रोग्राम होते हैं, मंगल मंगल मिशन, वो भी बहुत सस्ता होगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और अगर हम लोग सारी चीज़ें खुद बनाने की कोशिश करने लगेंगे ना तो इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं पाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, सबका ओपिनियन लेते हैं। द एम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करके लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट, डिफरेंट डिफरेंट कारें, ये सब इक्विपमेंट ना लेके आते, हमें शायद ये सब खुद बना के इसको डेवलप करने में अगले 100, 200, 300 साल लग जाते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब होता। आप सोचो कि हमारे पास स्मार्टफोन ना होता, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर्स नहीं होते, तो हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे होते। हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती। अब जैसे फॉर्चूनर है, होंडा है, सुजुकी है, ये सब विदेशी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पे वो बनाती हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, यहाँ पे भी प्लांट लगा दिए बाद में। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा अगर हम लोग सारी चीज़ें खुद बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें नेचुरल तरीके से जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे 50-60% जो वर्क फोर्स है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, जबकि एग्रीकल्चर में सिर्फ 10% वर्क फोर्स ही पर्याप्त है, यानी हमारी 40% वर्क फोर्स खाली है एक तरह से, या वो मिसयूज हो रहा है उसका, यानी वो वेस्ट हो रही है। तो वो 40% को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे करके एम्प्लॉय कर सकते हैं। 40 को पूरा नहीं, उसमें हम कोशिश करें 20% जो है सर्विस सेक्टर में आ जाएं और 20-25% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, और मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में जो 50% लोग हैं उसको हमें घटा के करना है लगभग 10% के आसपास, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में 10% लोग होने चाहिए, वो भी 10% होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम मांग के चल सकते हैं कि 40% तक हो जाए, बढ़ के हमारा 40% हो जाए, और बाकी 50% हमारा टर्सरी सेक्टर में ऑलरेडी है। तो यानी कि हमें ये जो एग्रीकल्चर हमारा 50% लेबर खा रहा है उसी को हमें निकाल के धीरे धीरे इधर शिफ्ट करना है। क्लासिफिकेशन किया गया है इसको इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट हमें पता ही है, किसी दूसरे देश से हम जब सामान मंगाते हैं अपने यहाँ, तो इनफ्लो ऑफ गुड्स इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेड ट्रेड्स या इम्पोर्टेड आइटम, और जब आउटफ्लो होता है यानी कि हम चीज़ों को बाहर बेचते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंट्री इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, मैनी टाइम्स गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ री एक्सपोर्ट आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, दिस इज़ कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं, डायमंड मंगाते हैं, और डायमंड हमारे सूरत में और महाराष्ट्र में पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके उस डायमंड को प्रॉपर चमकदार बनाते हैं और उसको फिर से यूरोप अमेरिका में बेच देते हैं। तो वो क्या है, मतलब वैल्यू एडिशन करी आपने, कहीं से कुछ रॉ मटेरियल फॉर्म में मंगाया, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करी और उसको अपने यहाँ कंज्यूम नहीं किया। इम्पोर्ट का मतलब ये है कि हमने अपनी कंट्री में कंज्यूम करने के लिए मंगाया। एक्सपोर्ट का मतलब हमने जो प्रोडक्ट भेजे वो किसी दूसरी कंट्री में कंज्यूम हो गए। इंटरपोर्ट का मतलब ये है कि हमने मंगाया, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करी, कुछ प्रोसेसिंग करी और उसको फर्दर फिर किसी और कंट्री में बेच दिया जहाँ वो कंज्यूम होएगा, हमने खुद कंज्यूम नहीं किया। क्लियर यहाँ तक ये तीनों पॉइंट। फोर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डायरेक्ट बिजनेस, कंसाइनमेंट बिजनेस, इंडेंट फर्म्स, मर्चेंट शिपर्स। डायरेक्ट बिजनेस क्या है, इन डायरेक्ट बिजनेस द इम्पोर्टर प्लेस ऑर्डर विद मैन्युफैक्चरर ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। यानी कि मान लीजिए हमें यहाँ पे कंट्री, अपनी कंट्री में कंप्यूटर प्रोसेसर का बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि शुभम ने बताया, तो हम लोग क्या करेंगे कि AMD को अमेरिका में ऑर्डर देंगे कि भाई हम लोग इंडिया में एक शोरूम ओपन करने जा रहे हैं AMD का, जिसमें हम प्रोसेसर बेचना चाहते हैं और आपकी कंपनी के प्रोसेसर को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो आप क्योंकि मैन्युफैक्चरर हो तो हमने आपको ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे 1000 पीस चाहिए इस कैटेगरी के प्रोसेसर, राइजन 9 चाहिए, राइजन 7 चाहिए, राइजन 5 चाहिए, राइजन 3 चाहिए, राइजन 5 इतने चाहिए, राइजन 7 इतने चाहिए, ऐसे करके मैंने उनको ऑर्डर दे दिया। यानी कि बिजनेस ऑर्डर प्लेस करेगा मैन्युफैक्चरर को, तो वो आपका डायरेक्ट बिजनेस होगा। इंपोर्टर हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इंडिया में इंपोर्टर हैं और हमने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर देने के बाद उसने सीधे प्रोडक्ट हमें पहुँचा दिया,
तो ये डायरेक्ट बिजनेस कहलाता है। कंसाइनमेंट बिजनेस, अंडर कंसाइनमेंट बिजनेस द एक्सपोर्टर सेंड्स द गुड्स टू एन एजेंट। अब देखो एजेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट बिजनेस में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं था। कंसाइनमेंट में क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है वो पहले एक एजेंट को भेजेगा इम्पोर्टेंट कंट्री में, फिर वो एजेंट क्या करेगा, अलग अलग मान लो AMD की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक एजेंट है वो AMD से उसने टाई अप कर लिया और उसने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर 1, 2, 3 और ये एजेंट है, तो इसने क्या किया, AMD से सामान खरीदा और वो सामान उसने खुद खरीदा, अपने पास रखा और अपने पास पहले दूसरे तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बीच में थोड़ा पैसा कमा लिया। तो ये क्या है, कंसाइनमेंट बिजनेस, पूरा कंसाइनमेंट उसने बल्क में मंगा लिया, मतलब एक पूरे का पूरा नहीं वो आता है बॉक्स, एक कंटेनर मंगा लिया और कंटेनर मंगाने के बाद फिर उसने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया। तो ये जो एजेंट है जब वो पूरा कंटेनर का ऑर्डर देगा तो उसको बहुत सस्ता पड़ेगा। जिस तरह से एजेंट होते हैं वही सेम लगभग इंडियन फर्म्स भी करती हैं, ये थोड़ा बड़ा फॉर्म में होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस में एक सिंगल एजेंट होता है, इंडियन फर्म क्या करती हैं वो बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर रही होती हैं और ये भी एक तरह के कमीशन एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और उनको वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या एजेंट है, वो एजेंट खाली कंप्यूटर का काम कर रहा है क्योंकि वो अकेला आदमी है, वो इतना ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडियन फर्म है तो फर्म क्या करती है, वो कई सारे, वो कंप्यूटर भी मंगा रही होगी, वो एयर कंडीशनर भी मंगा रही होगी, हो सकता है वो रेफ्रिजरेटर भी मंगा रही हो, और फिर वो रेफ्रिजरेटर के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगी, फिर वो कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगी, फिर ऐसे करके वो भी कमीशन एजेंट ही होते हैं। तो बेसिकली वो बीच का कमीशन चार्ज करते हैं और ये भी एक कमीशन एजेंट ही हैं, ठीक है, काइंड ऑफ कमीशन एजेंट। मर्चेंट शिपर क्या है, दिस इज़ अ क्लास ऑफ बिजनेसमैन हु बाई गुड्स ऑन देयर ओन अकाउंट एंड सेल देम इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्रॉफिट। अब देखिए अभी तक ये जो तीन लोग थे वो क्या कर रहे थे, ये जो सामान मंगा रहे थे वो अपनी कंट्री में कंज्यूम कर रहे थे, या तो खुद कंज्यूम कर लेते थे, डायरेक्ट वाला खुद कंज्यूम कर लेता था, एजेंट वाले क्या करते थे कि कमीशन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते थे और डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को देता था, रिटेलर के बाद वो कंज्यूम हो जाता था उसी कंट्री में। लेकिन मर्चेंट शिपर क्या करते हैं कि ये और बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि इंडिया ने कंप्यूटर का ही कारोबार कर रहा है, अमेरिका से बड़ी अच्छी, जैसे ये इंडियन फर्म ही है, इसने सोचा हमें और कारोबार बढ़ाना है अपना, तो वो मर्चेंट शिपर बन गया। अब उसने क्या काम किया कि उसने कंटेनर्स मंगाए, कंप्यूटर आइटम के, प्रोसेसर्स के, रैम के, मदरबोर्ड्स के कंटेनर मंगाए, इंडिया में तो बेचा ही बेचा, या फिर उसने क्या किया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो ये कहलाया मर्चेंट शिपर। यानी कि उसने सामान तो लिया लेकिन उसने कमीशन बनाया, प्रॉफिट बनाया, फिर दूसरी कंट्री को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उस कंट्री में अभी उतनी पहुंच नहीं है उन लोगों की, इतनी समझ नहीं है कि किससे बात करना है, AMD के CEO कहाँ मिलेंगे, उनकी टीम कहाँ मिलेगी, कैसे उनको पेमेंट करना है, क्या लेना है, तो ये सब झंझट में नहीं पड़ना। तो उसने क्या किया, मर्चेंट शिपर ने सीधे उनसे बहुत बल्क में आइटम लिए, बहुत सारे कंटेनर खरीदे और दूसरे दूसरे कंट्री को सप्लाई करना शुरू कर दिया।